शांति शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति आप शांति शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति काम शांति क्रोध शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु 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 आचार्य विष्णुगुप्त फिर किसी परशुराम का पुनरागमन निश्चित है। अब कहाँ जा रहे हैं आचार्य विष्णुगुप्त? मैं मेरे राष्ट्र में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। क्या महाराज अंभी को यह ज्ञात है कि आप तक्षशिला से बाहर जा रहे हैं? यदि महाराज अंभी के गुप्तचरों ने उन्हें अभी तक यह सूचना न दी हो तो तुम उन तक यह सूचना पहुंचा देना। अब तुम जाओ, राष्ट्र के गौरव को नष्ट न होने देना चंद्रगुप्त। कहां से आ रहे हैं आप लोग? तक्षशिला से। आपकी अभी ज्ञान मुद्राएं? किस प्रयोजन से आ रहे हैं आप लोग? मंत्री वरेंद्र दत्त से मिलने। और ये दोनों?
मेरे शिष्य हैं। आप जा सकते हैं। नागरिकों ने भाई और मुड़ने को कहा था आचार्य। निपणक, कह कह के गुप्तचर हमारा पीछा कर रहे हैं। पर इसकी आवश्यकता क्या है? हम तक्षशिला से आ रहे हैं ना। आंधी के कुकृत्य हमारा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। चलो सावधान है। तक्षशिला से आ रहे हैं? हाँ। मेरा अनुसरण कीजिए। पर किसी भी प्रकार का विरोध करने पर मैं आपको बंदी बनाने के लिए स्वतंत्र हूँ। पर हमारे पास अभिज्ञान मुद्राएं हैं। आप मेरा अनुसरण करते हैं या? चलिए। यही ठहरिए और भागने का प्रयत्न मत करना। ये कौन सी आपत्ति आपड़ी आचार्य? चुप रहो सांगरो। आप विष्णुगुप्त कौन है? मैं हूं। आइए मेरे साथ। जाकर अपनी अभिज्ञान मुद्रा की परीक्षा करवाओ। स्मरण है झूठ बोलने का प्रयास किया तो जाओ। स्वागत है विष्णु। क्यों आश्चर्य हो रहा है ना? एक दिन मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा था और तुम निर्दय बने बैठे थे। आज किससे अनुमति लेकर तुम केके के मंत्र से मिलने आए हो विष्णु? उस दिन द्वार पर केके का मंत्री खड़ा था। इंद्रदत्त तो मेरे मन के भीतर था और आज मैं प्रार्थना लेकर आया कैके पर आक्रमण करने के लिए नहीं। तुझे जीतना कठिन है विष्णु। उग्रसेन, आचार्य विष्णुगुप्त और उनके शिष्य राज्य के विशिष्ट अतिथि हैं, उनका यथेष्ट सत्कार हो। जो आज्ञा मंत्रीवर। कहो कैसे आना हुआ? तुम्हें तक्षशिला जाना होगा भावी सैन्य बल के साथ। तुम उपहास तो नहीं कर रहे हो? यह अवसर उपहास करने का नहीं है इंद्रदत्त। राष्ट्र पर आने वाले संकट को मैं स्पष्ट देख रहा हूं, इसलिए सहायता प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। क्या बात है आचार्य? इंद्रदत्त, दूर यवन देश से अलक्षिंद्र नामक एक वीर योद्धा अपने विशाल सैन्य बल के साथ भारत की ओर बढ़ रहा है। उसके विजय की गाथा मैंने कपिश व वालिक से आए सारथवाहों से सुनी है। जिसे तुम अलक्षिंद्र के विजय गाथा समझते हो, उसमें मुझे भारत के भीषण भविष्य की प्रतिध्वनियां सुनाई दे रही है इंद्रदत्त। मैं समझा नहीं आचार्य। आम्भी ने अलक्षिंद्र से संधि कर ली है इंद्रदत्त। भारत के सीमांत प्रदेश के जनपदों को आत्मसमर्पण का आमंत्रण अलक्षिंद्र द्वारा भेजा जा चुका है। अर्थात अलक्षिंद्र भारत पर आक्रमण करेगा और आम भी जैसे शासक उसका मार्ग निष्कंटक करेंगे ताकि वह सुगमता पूर्वक संपूर्ण भारत को पदाक्रांत कर सके। कैके आम्भी के षड्यंत्र का उत्तर अवश्य देगा आचार्य। मंत्रीवर, प्रश्न सिर्फ कैके अथवा तक्षशिला की सुरक्षा का नहीं है। प्रश्न हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत सहस्त्रों योजन विस्तीर्ण भारत भूमि की रक्षा का है।
यदि जनपदों के स्वामी होने के गर्व में भिन्न भिन्न जनपदों के शासक चूर रहे तो वह दिन दूर नहीं जब विदेशी आक्रांता जनपदों को नष्ट कर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। अतः भारत वर्ष को अब एक राष्ट्र के रूप में संगठित होकर विदेशी आक्रांताओं का सामना करना पड़ेगा। पर क्या भारत को पदाक्रांत करने का सामर्थ्य अलकक्षेंद्र में है? यदि अखंड भारत ने अलकक्षेंद्र की चुनौती को स्वीकार किया तो यह असंभव है। पर यदि खंड खंड में बटे जनपदों ने अकेले हाथों अलकक्षेंद्र को ललकारने का प्रयास किया तो यह संभव है। आपकी योजना में केकई की क्या भूमिका होगी आचार्य? तुम्हें मेरे प्रयासों में साथ देना है इंद्रदत्त। संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में संगठित कर हमें अलकक्षेंद्र की चुनौती को स्वीकार करना है। हमें अलकक्षेंद्र को भारत में प्रवेश करने से रोकना है। संपूर्ण राष्ट्र को भारत की सीमा रक्षा का उत्तरदायित्व वहन करना होगा। इसलिए कैकेय को भारत की सीमाओं पर सबसे पहले प्रयाण करना होगा। पर इससे तो तक्षशिला की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप होगा। मैं जानता हूं, पर राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए हमें तक्षशिला की सीमाओं का अतिक्रमण करना ही होगा और कैकेय के इस प्रयास का साथ मगध को देना होगा। हमें मगध की सत्ता को इस कार्य में प्रवृत्त करना होगा और इसलिए मैं मगध जा रहा हूं। तुम्हें महाराज पर्वतेश्वर को इस कार्य के लिए तैयार करना है इंद्रदत्त। पर महाराज पर्वतेश्वर धनानंद जैसे हीन प्रकृति शासक की सहायता नहीं लेना चाहेंगे। राष्ट्र के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों, पूर्वाग्रहों व गर्व की बलि देनी होगी इंद्रदत्त। आम भी ने भी तो अपने झूठे अहंकार की रक्षा के लिए संपूर्ण राष्ट्र को दांव पर लगा दिया है। हमें नंद का सामर्थ्य चाहिए। मगध का सैन्य बल ही हमारी योजना का केंद्रीय बल हो सकता है। पर यदि मगध को संपूर्ण योजना का केंद्र बनाया गया तो वो केकई और तक्षशिला को भी हड़प लेगा। मगध की राज्य विस्तार की नीति के कारण ही कई जनपदों ने अपनी स्वतंत्रता खोई है। मगध को सीमा रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपने का अर्थ है मगध को अपनी सीमाओं का समर्पण करना। यह संभव है आचार्य? और हिमालय से समुद्र पर्यंत सहस्त्र योजन विस्तीर्ण भूमि को एक क्षेत्र में लाए बिना यवनों को परास्त करना संभव नहीं है इंद्रदत्त। क्या केकई की सैन्य शक्ति द्वारा यह कार्य संपन्न नहीं हो सकता आचार्य? मैं कहके के सामर्थ्य को जानता हूं इंद्रदत्त। क्या और कोई मार्ग नहीं आचार्य? आचार्य आपको विश्वास है कि धनानंद आपकी सहायता करेगा? मैं प्रयास करूंगा। और यदि धनानंद ने सहायता देने से इनकार कर दिया तो? तो भी मैं यवन राज को रोकने का प्रयास करूंगा। आचार्य आप मगध हो आइए, मैं महाराज पर्वतेश्वर को समझाने का प्रयत्न करूंगा और यदि महाराज पर्वतेश्वर की सहमति हुई तो शीघ्र ही तक्षशिला के लिए कूच कर जाऊंगा। तुमसे सहयोग की अपेक्षा है इंद्रदत्त। मुझ पर विश्वास रखिए आचार्य। मगध के लिए कब प्रस्थान कर रहे हैं आप? अभी इसी समय। विष्णु, अभी अभी तो आए हो तुम? मैं रुकूंगा नहीं इंद्रदत्त, भविष्य में तो मैं और भी कष्ट दूंगा। अभी मुझे जाने दो। और किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो आज्ञा दे भूदेव। नहीं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। यह है मेरे शिष्य निपुण और शरण, और आप हैं कह के मंत्री इंद्रदत्त। प्रणाम मंत्रीवर। प्रणाम। निपुण, हमें आप चलना है। हम तैयार हैं आचार्य। चल इंद्रदत्त, मार्ग में तुम्हारे गुरु पुरुष मेरा पीछा तो नहीं करेंगे? यदि आचार्य आज्ञा दे तो पाटलिपुत्र में आचार्य का स्वागत केके के गुरु पुरुष ही करेंगे। मैं जानता हूं कि गणराज्यों में साम्राज्यवादी नीतियों का कोई स्थान नहीं है। आपकी शासन प्रणाली विशिष्ट है, आपका शौर्य भी विशिष्ट है। आप संगठित हैं, शक्तिशाली हैं, पर आक्रांता गणराज्य व साम्राज्य का भेद नहीं देखेंगे। संपूर्ण वाहिक प्रदेश छोटे छोटे गणराज्यों से भरा पड़ा है और प्रत्येक गणराज्य स्वतंत्र है। प्रत्येक गणराज्य शक्तिशाली है पर वह शक्ति विभाजित है, सामर्थ्य है पर वह बिखरा पड़ा है। मिस्र व पारस का साम्राज्य भी अलकक्षेंद्र की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गया।
हरौवती व बाख्त्री भी इस योद्धा से अपने स्वाधीनता की रक्षा न कर पाई। किसी गणराज्य या साम्राज्य की सुरक्षा से पहले आज प्रश्न राष्ट्र की सुरक्षा का है, उस राष्ट्र की जिसके गणराज्य भी अविभाज्य अंग है। अब कैकेयी व कौरव, मगध व मालव को साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत की सीमाओं की रक्षा करनी होगी। आचार्य, तक्षशिला की सीमाओं की रक्षा करने का उत्तरदायित्व तो हमारा कैसे हो सकता है? ये सीमाएं आपकी अपनी हैं। पर तक्षशिला की राजनीति से गणराज्यों का क्या संबंध आचार्य? हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भारत एक है, उसकी पग पग भूमि हमारी अपनी भूमि है। पर उस पर हमारा अधिकार तो नहीं है, न हम उससे लाभान्वित होते हैं। यदि कोई आपके मस्तक पर आघात करे तो क्या आपके हाथ नहीं उठेंगे? क्या आपने मस्तक की रक्षा के लिए आपके चरण गतिमान नहीं होंगे? क्या आपकी बुद्धि आपकी रक्षा का प्रयास नहीं करेगी? अवश्य करेगी। आप उसी राष्ट्र के अंग है जिसका अभिसार व तक्षशिला मस्तक के गणमुख्य। मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ आचार्य, पर यदि समस्त गणराज्य ने सम्मिलित रूप से प्रयास भी किया तो उनका सामूहिक नेतृत्व कौन करेगा? गणराज्य पहले एकत्र तो हो। नेतृत्व का प्रश्न महत्व का है आचार्य, युद्ध व उत्सर्ग के लिए प्रत्येक गण तत्पर है, पर कटों को किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि कट सौंदर्य में नहीं शक्ति में भी श्रेष्ठ है। मैं प्रार्थना और प्रयास कर सकता हूँ, निर्णय तो आपको ही करना है। आपके प्रयास सफल हो ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा है, पर आप गणराज्य से मिलकर नेतृत्व के संबंध में विचार कर लें। कहीं साम्राज्यों से साम्राज्य लड़ रहे हैं, कहीं गणराज्यों से गणराज्य, कहीं साम्राज्यों से गणराज्य तो कहीं जनपदों से जनपद। संपूर्ण भारत ही तो परस्पर युद्ध की विभीषिका से ग्रस्त है, वह कैसे अलक्षेंद्र के आक्रमण का प्रत्युत्तर देगा? कहीं विवाद सीमा का है, कहीं नेतृत्व का, कहीं व्यक्तिगत स्वार्थों के संरक्षण का, कहीं जन्म की श्रेष्ठता का तो कहीं धर्म की श्रेष्ठता का। सत्य है स्वार्थ और संघर्ष। राष्ट्र पतन के कगार पर आग खड़ा है और लोगों को अपनी राष्ट्रीयता का बोध नहीं, राष्ट्र के लिए गर्व नहीं, सम्मान नहीं। अलक्षेंद्र से भी बड़े शत्रु तो राष्ट्र के भीतर है। आचार्य, भीतर चलें।
हेस्टियन व पार्डिकस के नेतृत्व में यवन सेना की एक टुकड़ी सिंधु की ओर बढ़ गई। चार्ज! Thank you.
Kill him! क्या बात है नायक? नायक महाराज वीर गति को प्राप्त हुए, हमें समर्पण करना होगा। और कोई मार्ग शेष नहीं है? नहीं, समर्पण की घोषणा कर दो नायक। मस्कावती के मृतक सैनिकों को आपके सैन्य बल में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं है वीर अलेक्जेंद्र। ग्रेट अलेक्जेंडर, द हायर सोल्जर्स ऑफ मस्कावती हैव नॉट कंसेंटेड टू जॉइन योर फोर्सेस। आई वांट टू नो द रीजन ऑफ द रिफ्यूजल फॉर जॉइनिंग द आर्मी। इवन आई विल पे एज पर मेरिट। अलेक्जेंडर जानना चाहते हैं कि आपके मृत सैनिकों को उनके सैन्य बल में सम्मिलित होना क्यों स्वीकार नहीं है। वृत्ति तो वो भी योग्यता अनुसार ही देंगे। व्हाई डोंट यू आंसर? आप जवाब क्यों नहीं देते? मृतक सैनिक यवनों की ओर से अपने ही देश के बंधुओं पर हथियार नहीं उठाना चाहते। The hired soldiers don't want to raise their sword against their countrymen. Sincerity in those who fight just for money's sake. If they don't want to join my armed forces, ask them to leave the city. यदि उन्हें सैन्य बल में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं तो उन्हें यहां से निकल जाने के लिए कह दिया जाए। कृपा देवी उनके लिए संधि में अभयदान की अपेक्षा रखती है। Cleophas expects amnesty for them in the treaty. Your mercenary soldiers will be allowed to leave the city safely. आपके मृतक सैनिकों को नगर से सुरक्षित जाने दिया जाएगा। संधि की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए मुझे कृपा देवी से आज्ञा लेनी होगी वीर अलेक्जेंद्र। To finalize the terms and conditions of the treaty, I will have to take Cleophas's permission. I will wait for Cleophas's appeal for shelter.
हम क्लेफिस की शरणागति की प्रतीक्षा करेंगे। यू मे गो नाउ। Coinus, keep your army ready. Not a single mercenary soldier of Muscovite should go alive. तुम्हारी सदैव ऋणी रहेगी मित्रों, तुम्हारी स्मृति सदैव जीवित रहेगी।
राष्ट्र पर संकट आया है, इसलिए तक्षशिला का एक शिक्षक आपके पास आया है। तुमने भीतर आने का दुस्साहस कैसे किया ब्राह्मण? आपसे प्रार्थना करने आया हूं महाराज। अलक्षेंद्र नामक एक वन योद्धा मिस्र व पार्स के साम्राज्य को उखाड़कर भारत की ओर बढ़ रहा है। तक्षशिला से उसकी संधि भी हो चुकी है, शीघ्र ही भारत पर आक्रमण होगा, भारत यवनों द्वारा पदाक्रांत होगा। बस इसलिए तुमने मेरे प्रतिहारियों व सहचरों को कष्ट दिया? महाराज, भारत की सीमाएं असुरक्षित हैं, मगध ही उनकी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि मगध भारत की सीमा रक्षा का उत्तरदायित्व ले। तुम तो धनानंद को आज्ञा देने लगे भिक्षुक। याचना कर रहा हूं महाराज, लक्षावधि लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए मैं आपसे सैनिक सहायता की भिक्षा मांगता हूं। सीमा की रक्षा सीमा रक्षक किया करते हैं, सम्राट नहीं। इसके लिए मेरे द्वारपाल से कह दिया होता। सीमाएं सुरक्षित रही तो सम्राट सुरक्षित रहेंगे महाराज। भिक्षुक, तुम मगध सम्राट को चुनौती दे रहे हो। अलक्षेंद्र भारत को चुनौती दे रहा है सम्राट। जब वो मगध को चुनौती देगा, मगध उसका प्रत्युत्तर दे देगा। जाओ भिक्षुक, मेरे अतिथि तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सम्राट, मेरी प्रार्थना पर विचार कीजिए। एक मुट्ठी अन्न मांगा होता तो मैं विचार भी करता, पर तुम तो उसके भी योग्य नहीं हो ब्राह्मण। जाओ। देख रहा हूं कि धरा के बेटों से उनकी धरती छीनी जा रही है और मगध चुप है। कौन करेगा उनके घरों की रक्षा, कौन करेगा उनके हलों की रक्षा? धनानंद के पास और भी काम है मूर्ख। मगध के स्वामी होने का गर्व है तुम्हें, पर विशाल भारत की सीमाओं के रक्षक होने का गर्व करना नहीं चाहते। मगध सम्राट भारत की मिट्टी चंदन है, इसे अपने माथे पर लगाओगे तो हर भारतीय तुम्हें अपने हृदय का सम्राट बनाएगा। भारत की सीमाएं तुम्हें पुकार रही है धनानंद। प्रतिहारियों, इस मूर्ख की शिखा पकड़कर इसे बाहर निकाल दो। एक दिवस यही शिखा तेरे खून की काल तरपड़ी होगी धनानंद। तुम जैसे दुष्टों ने भारत को पदाक्रांत कर रखा है, मैं तुम जैसे दुष्टों को पदाक्रांत करूंगा। विष्णुगुप्त, राष्ट्र के सम्मान की रक्षा शासन नहीं कर सका तो अब वह शिक्षकों के हाथ में है। उठ, सोए हुए भारत को जगा। मैं धनानंद जैसे राष्ट्र विरोधी शासकों का उद्धार नहीं करूंगा, तब तक मैं चणक का पुत्र चाणक्य अपनी शिखा नहीं बांधूंगा।